नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा, मैं हूं याशिका गुप्ता। प्रॉपर्टी मंत्रा में अपनी अफोर्डेबल सीरीज में आज हम बात करेंगे गुड़गांव के सबसे बेहतरीन विकल्प सोना के बारे में। गुड़गांव से महज 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित सोना प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए सोना साबित हो सकता है। साथ ही गुड़गांव में कीमतों की वजह से घर नहीं खरीद पाते, उनका घर का ख्वाब सोना पूरा कर सकता है। गुड़गांव हुआ बजट से बाहर, कहां मिलेगा सपनों का घर? क्या सोना साबित होगा प्रॉपर्टी का सोना? गुड़गांव की ये ऊंची इमारतें प्रॉपर्टी की कीमतों के सामने बेहद छोटी हो गई हैं। इस शहर में घर खरीदने का सपना वही देख सकता है जिसके पास 1 करोड़ का बजट हो। 1 करोड़ में भी सोना रोड से पहले किसी अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलेगा। यानी इफको चौक के नजदीक घर चाहिए तो बजट 2 करोड़ से भी ज्यादा होना चाहिए। प्रॉपर्टी बाजार की जो हालत है उसमें तो ये बजट निवेशकों के भी बस के बाहर है। जब मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग में अलग अलग जगह निवेश किया तो मैंने देखा कि मेरे को जो आज रिटर्न मिल रहे हैं वो लग्जरी प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा हैं। लग्जरी प्रॉपर्टी के आज कोई भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात प्रॉपर्टी चाचा .com की ये रही कि अफोर्डेबल में जो भी इन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में निवेश कराया उनके तमाम कागजात, रजिस्ट्रियां, लेआउट प्लान सारे वेरीफाइड करके ही मुझे निवेश करने की सलाह दी और मैंने उन्हीं का अनुसरण किया। यानी मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी खरीदने का मूल मंत्र अफोर्डेबिलिटी है। गुड़गांव के महंगे घरों को खरीदने का साहस आम नौकरी पेशा नहीं कर सकता। गुड़गांव में नौकरी करने वाले लोगों के पास घर खरीदने के विकल्प में न्यू गुड़गांव, भेवाड़ी, धारूहेड़ा, सोना जैसे गिने चुने विकल्प ही हैं। अगर रेडी टू मूव घर के लिए कुछ वक्त इंतजार कर सकते हैं और आप प्रॉपर्टी को निवेश के नजरिए से भी देखते हैं तो सोना प्रॉपर्टी निवेश के लिए सोना साबित हो सकता है। गुड़गांव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोना सीधे NH-8 से जुड़ता है। सोना रोड को चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है। जल्दी ही गुड़गांव से सोना की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी। सोना चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य लाजवाब है। यहाँ पर अच्छे स्कूल हैं और कई और स्कूल और अस्पताल बनाने की योजना है। सोना में काम करने वाले डेवलपर्स में शुमार हैं रहेजा, टाटा हाउसिंग, पार्फनाथ, ओरिस, गोल्डसुक, आइरियो, विघ्नेश्वरा। गुड़गांव में सोना रोड रईसों का एड्रेस बनती जा रही है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जुड़ी होने की वजह से यहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड भरपूर है। उम्मीद है कि सोना रोड का विस्तार सोना तक हो जाएगा और उस वक्त सोना की प्रॉपर्टी भी बेहद हॉट हो सकती है। सोना के बेहद नजदीक से KMP यानी कुंडली मानेश्वर परवल एक्सप्रेसवे निकल रहा है। इसके शुरू हो जाने के बाद तो सोना की कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हो जाएगी, जिसका फायदा यहाँ रहने वालों को तो मिलना तय है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल जो है अभी इम्प्रूवमेंट उसमें चालू हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप पूछें KMP एक्सप्रेसवे जो कि एक मेजर कनेक्शन बनेगा आने वाले वक्त में, वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे आज की डेट पे भी कनेक्शन चालू है और वहाँ पे भी ट्रक्स अभी अप्लाई कर रहे हैं। सोना में अभी प्रॉपर्टी के दाम पहुंच में है। यहाँ पर आप प्लॉट, विलास, फ्लैट्स में निवेश कर सकते हैं। हालांकि साउथ दिल्ली का एक्सटेंशन कहा जाने वाला गुड़गांव जिस तरह लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, उसी तरह गुड़गांव का एक्सटेंशन बनने को बेकरार सोना की प्रॉपर्टी भी बजट से बाहर हो सकती है। सोना गुड़गांव के मास्टर प्लान का हिस्सा बन चुका है, अभी यहां पर विकास किया जा रहा है। ऐसे में शहर में कई समस्याएं नजर आ सकती हैं, लेकिन एक बार विकास पूरा हो गया तो फिर प्लानिंग के साथ बसाया जा रहा ये शहर गुड़गांव को कड़ी टक्कर दे सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद है, शांति स्वरूप सतीजा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं PropertyChacha.com के, और साथ ही हमारे साथ हरिंदर ढिल्लन जी हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रहेजा डेवलपर्स के। ढिल्लन जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है कि हम सबको पता है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पर जिस तरह से प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है उसमें जो प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, हमारा रहेजा अरण्या सिटी आ रहा है सोना के अंदर, जो कि गुड़गांव सेक्टर 67A से महज 12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। इस प्रोजेक्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लार्सन एंड टूब्रो कर रही है, जो कि इंडिया की नहीं बल्कि पूरे विश्व की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज में से एक है, जिसके अंदर सीवरेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा टाटा हाउसिंग के साथ भी एक जॉइंट वेंचर हुआ है तकरीबन 35 एकड़ की पूरे एरिया के अंदर, जिसके अंदर टाटा हाउसिंग अक्टूबर नवंबर के अंदर ही ग्रीन होम्स, विला, डिज़ाइनर होम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। टोटल 220 एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसके अंदर गेटेड कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होंगी, क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल, स्पा, स्टीम सोना, जकूजी, प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट्स, नर्सिंग होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, फाइव स्टार होटल, शॉपिंग मॉल, SCO मार्केट्स, सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और 60 मीटर की सेक्टर रोड ये सेक्टर 11 और सेक्टर 14 को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, और हमारा जो अरण्या सिटी है ये सेक्टर 11 और सेक्टर 14 के अंदर टोटल 220 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 12 मीटर से कम की यहाँ पे इंटरनल सर्कुलेटिंग रोड्स भी नहीं है, 24 मीटर की भी यहाँ पे सेक्टर रोड्स डेवलप की जा रही हैं। अरावली की सुंदर पहाड़ियों के सामने ये स्थित है, और पूरा यहाँ पे ग्रीन एनवायरनमेंट और ओपन एरियाज के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है, ताकि जो लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं उनको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दिया जाए, जो कि गुड़गांव जैसे शहर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी के ऊपर ही स्थित है, और सिर्फ 12 किलोमीटर की ही दूरी के ऊपर स्थित है, लेकिन गुड़गांव से एक चौथाई रेट के ऊपर यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है 32,475 रुपए गज के अंदर। जी सतीजा जी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं आप, उसके तौर पर इस पूरा जो ये हाईवे है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आज की इस दुनिया में बदलाव बहुत ज्यादा आ रहा है, और दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना तो सबके बस से बाहर हो चुका है। गुड़गांव में भी प्रॉपर्टी पहले खरीदी जा रही थी, लेकिन वहां भी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, और गुड़गांव के साथ न्यू गुड़गांव के रूप में सोना आ रहा है और भिवाड़ी आ रहा है। भिवाड़ी राजस्थान में पड़ता है और सोना जो है वो हरियाणा में पड़ता है। अगर आप सोना में प्लॉट लेते हैं तो लगभग 32,475 रुपए पर स्क्वायर यार्ड मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, भले ही ये मंदी का दौर चल रहा हो, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन मंदी के दौर में बायर्स का ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो बड़े फायदे में रहेंगे, क्योंकि मंदी के दौर की जो अफवाह है या जो कुछ जेन्युइन भी है, कुछ मिसलीडिंग की वजह से है, कई कारण है मंदी के, लेकिन आज की इस टाइम पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय एंड राइट टाइम फॉर द बायर्स। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप यकीनन तौर पर प्लॉट खरीदने के बाद आप फायदे में रहेंगे। अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें हिडन चार्जेस भी बहुत होती हैं, उसमें पार्किंग चार्जेस भी है, उसमें सुपर एरिया भी है, लेकिन प्लॉट के अंदर कोई सुपर एरिया नहीं है। प्लॉट के अंदर आपको अगर 200 गज का प्लॉट दिया जाना है तो 30x60 का प्लॉट होगा, आप नाप के लेंगे, उसी की आप प्राइस देंगे, और प्लॉट खरीदने में बायर कभी भी, इन्वेस्टर कभी भी नुकसान में नहीं जाता। जी दिलन जी, आपसे जानना चाहेंगे सोना को, क्योंकि पूरी तरह से आने में अभी 3-4 साल का वक्त लग सकता है, ऐसे में जो एंड यूजर है उसके लिए क्या ये फायदे का सौदा होगा, और क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ उन्हें सुविधाएं वहां पर मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोना के विकसित होने के कारण, सबसे पहला कारण है गुड़गांव के एकदम निकट होना, दूसरा कारण है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली NCR का सबसे बड़ा ग्रोथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, उससे महज 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित होना, और इन दोनों कारणों से भी बड़ा कारण है यहाँ पे पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि डेवलप किया जा रहा है HSIDC की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सोना के एकदम निकट है, जो कि सोना के अंदर ही है एकदम, और हमारी प्रोजेक्ट साइट से केवल 1 किलोमीटर की ही दूरी पे है। यहाँ पे जैपनीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुके हैं इंडस्ट्रीज के लिए, लेदर के कारोबार का, लेदर फैक्ट्रीज का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जा रहा है, और भी कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पे, ऑलरेडी सेक्टर रोड्स विकसित की जा रही हैं, और KMP के साथ ही ये लगता है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि यहाँ पे की जा रही है, जो कि IMT मानेसर से 3 गुना साइज पे है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक
डेवलपमेंट उस एरिया की होती है, रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ती है, कमर्शियल डिमांड बढ़ती है, रिटेल की डिमांड बढ़ती है, तो ये सारे कारण होंगे जो कि सोना एज अ शहर को पूरा विकसित करेंगे और यहाँ पे रियल एस्टेट के भाव बढ़ेंगे। दूसरा कारण जो कि मैं सिर्फ एक मिनट में और बोलना चाहूंगा, आपको यहाँ पे जो एक प्लॉट तकरीबन 300 गज का पड़ता है, आप खुद प्लॉट खरीद के अपनी शानदार कोठी यहाँ पे बना सकते हैं, गुड़गांव के 2 बेडरूम अपार्टमेंट से भी कम दाम के अंदर। तो गुड़गांव का जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आज करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ की रेंज में पहुंच चुका है, एरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए, उससे भी कम दामों में आपको यहाँ पे प्लॉट्स और साथ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला के उसी फैसिलिटी के अंदर, उसी बजट के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको खुद के बंगलो चाहिए। चलिए, तो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे कितना फायदा का सौदा आपके लिए है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, चल लौटते हैं। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं सोना के बारे में। यहाँ पर रहेजा ग्रुप ने अरण्या सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, करीब 250 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं। वादियों की ओट में बसा हुआ ये प्रोजेक्ट है अरण्या सिटी। रहेजा डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट सोहना के शुरुआती प्रोजेक्ट्स में है। ये प्रोजेक्ट करीब 107 एकड़ एरिया में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका विस्तार 250 एकड़ तक करने की गुंजाइश है। रहेजा डेवलपर्स ने यहाँ पर फिलहाल प्लॉट्स ही लॉन्च किए हैं। इस प्रोजेक्ट में आप 200 गज से लेकर 800 गज तक का प्लॉट खरीद सकते हैं। पिछले साल के आखिर में कंपनी ने अरण्या सिटी को 27,000 रूपए प्रति गज के भाव पर लॉन्च किया था। करीब 8 महीने में ही यहाँ प्लॉट्स की कीमतें 33,000 रूपए प्रति गज पर पहुँच गई हैं। कंपनी का दावा है कि ये एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर हर तरह की सुविधाएं हैं, आप प्लॉट लेना चाहें प्लॉट ले सकते हैं, अगर आप सुपर लग्जरी में भी जाना चाहते हैं तो बिल्ट अप विलास ले सकते हैं, जो कि आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आप इंडिया में है ही नहीं, आप ऐसी इंटरनेशनल गेटेड कम्युनिटीज जो कि हम टीवी पे सिर्फ हॉलीवुड में ही नजर आती हैं, कि दोनों तरफ सुंदर बड़े पेड़ लगे हैं और बिल्कुल ओपन फील है, ऊंची दीवारें नहीं है बट ग्रीनरी है दोनों तरफ, और आप डायरेक्ट अपने ड्राइव में जाते हैं और सुंदर से मकान में रहते हैं। अरण्या सिटी में प्लॉट्स के साथ ही ग्रुप हाउसिंग विलास के विकल्प भी होंगे। इस प्रोजेक्ट में स्कूल, अस्पताल, मॉल्स भी बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर निवेशकों और एंड यूजर्स दोनों के लिए भरपूर मौके हैं। इसके अलावा सेम 200 एकड़ के अंदर आपके चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो हॉस्पिटल भी है, स्कूल्स की बात करें तो 4 अलग अलग स्कूल्स भी हैं, कमर्शियल की बात करें तो शॉपिंग मॉल भी है और ऑफिस की बिल्डिंग्स भी हैं, और जो SCO जिसको बोलते हैं शॉप कम ऑफिस, वो भी हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे पूरी इंक्लूसिव सिटी डेवलपमेंट है। मंदी की मार का असर जहां तमाम NCR में देखा जा रहा है, वहीं सोहना जैसे अफोर्डेबल इलाकों में ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है। यहां पर किया गया निवेश आगे चलकर मोटा मुनाफा देने का दम भी भर रहा है, लेकिन मंदी के इस दौर में आप भी निवेश को फायदेमंद बनाने के लिए जमकर मोल भाव करें, जिससे आपको वाकई अफोर्डेबल कीमतों पर प्रॉपर्टी मिल सके। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में, और हमारे साथ दो स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। ढिलन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें प्लॉट्स की जो कीमत है, उनके जो साइजेस है, उनके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता पाए। देखिए, 250 गज से लेके 822 गज तक के प्लॉट्स हैं, 253 गज के हैं, 260 गज के हैं, 304 गज, 342 गज, 357 गज, 600 गज, 822 गज, 32,475 रुपये गज का यहाँ पे रेट है। 2.5 साल का यहाँ पे आसान किश्तों के अंदर पेमेंट हो जाती है, 10% का एडवांस बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट 15% का आप चेक देंगे 2 महीने बाद की डेट का, और बाकी सारी किस्तें डेवलपमेंट के हिसाब से होती हैं। जैसे जैसे वहाँ पे सीवरेज ड्रेनेज की फैसिलिटी आती है, उसके बाद फिर मेटलिंग ऑफ रोड्स होती है, रोड अलाइनमेंट पहले होती है, डिमार्केशन ऑफ प्लॉट्स होती हैं, तो ये सारी सुविधाएं जैसे आती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसी हिसाब से किस्तें ली जाती हैं। 3850 रुपये गज का यहाँ पे EDC IDC का खर्चा है, जो कि हरियाणा सरकार को जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 500 रुपये गज का यहाँ पे खर्चा है IFMS, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, और 2 लाख रुपए की क्लब मेंबरशिप है,
एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास शानदार क्लब के अंदर मेंबरशिप लेने की, जिसके अंदर सभी सुविधाएं होंगी जैसे कि स्पा, स्टीम, सोना, जकूजी, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल आदि। जी सदीरा जी, एज अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, सोना में जो मोबाइल फोन है अगर आप लेकर जाते हैं वहां पर तो रोमिंग में आ जाता है, इनकमिंग कॉल के चार्जेस लग जाते हैं और दिल्ली एनसीआर से भी थोड़ा दूर पड़ता है, तो ऐसे में आप अपनी राय में अरण्या सिटी जो है उसके बारे में प्रॉपर्टी बायर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे तो वहाँ रोमिंग इस टाइम नहीं है, रोमिंग खत्म हो चुकी है वहाँ पर, और रोमिंग इतना बड़ा इशू भी नहीं है। जिसने अपना अपना घर का बंगलो बनाना हो अपार्टमेंट की बजाय अगर अपने घर में ही रहना चाहता हो, और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो चीज़ ढिल्लों साहब कहने से रह गए हैं, अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं तो आप सीमित रह जाते हैं एक अपार्टमेंट के अंदर, अगर आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट में आप टाई स्टोरी बनाते हैं, आपकी फैमिली बढ़ती है तो उनको भी एक एक अलग अलग फ्लोर भी मिलता है और एक ही जगह पर पूरी की पूरी फैमिली अलग अलग भी रहती है और इकट्ठे भी रहती है, इसलिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। मैं भी समझता हूँ इस टाइम जो रेजा ग्रुप ने प्लॉट्स की प्राइस रखी हुई है वो कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद रेजा ग्रुप अमीर लोगों को और अमीर बनाना चाहता है, इसमें कुछ मिडिल इनकम ग्रुप वाले शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो टाउनशिप ये बना रहे हैं उसका जो फ्यूचर है बहुत ही सुंदर है, बेस्ट बिल्डर हैं, बेस्ट लोकेशन है और बेस्ट प्रोजेक्ट है। अगर आप बेस्ट के खरीदार हैं तो आपको अरण्या सिटी में प्लॉट जरूर खरीदना चाहिए, आने वाले समय में ये बहुत अच्छी कीमत पे जाएगा। निलंजन जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है अरण्या सिटी जो सोना में आ रहा है उसमें अरावली की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा वहां पर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाउनशिप की, तो जैसे जैसे वहां पर घर बनेंगे, बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बनेंगी, तो क्या वो जो व्यू है वो काफी खराब नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पे गुड़गांव और दिल्ली के तरीके से जिस तरह से हाई राइज का चलन आ गया है, यहाँ पे बाय एंड लार्ज लो राइज का चलन है, क्योंकि सोना के अंदर टाउनशिप्स विकसित की जा रही हैं मिनिमम 100 एकड़ की, जहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट प्लॉट्स की, विलास की और डिजाइनर होम्स की जा रही है। ग्रुप हाउसिंग भी रहेगी लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची इमारतें नहीं बनेंगी जो कि आपकी अरावली की पहाड़ियों का दृश्य के अंदर कोई बाधा करें, उसके अंदर हमेशा ओपन एरिया, ग्रीनरी और ओपन स्पेसेस के ऊपर हमेशा बहुत ही ज़्यादा एम्फसिस और फोकस रहेगा। तो हाँ, ग्रुप हाउसिंग की भी ज़रूरत होती है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो आपको अपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं, वो एक नेचुरल बात है, लेकिन इतनी डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर अभी नहीं हो रही, बाय एंड लार्ज प्लॉटेड और विला डेवलपमेंट की तरफ ही जोर है। चलिए तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे स्टूडियो में, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सदीजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो अरण्या सिटी प्रोजेक्ट है, जब उसकी शुरुआत हुई थी तब कितना प्राइसेस था और अब जब 12-15 महीने इसको हो गए हैं तो इसमें प्रॉपर्टी के दाम में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है? रेजा ग्रुप द्वारा जब ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट तो उस टाइम 26,475 रुपये रेट था, आज की डेट में 32,475 रुपये रेट है और प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सारे प्लॉट्स ख़त्म नहीं हुए, काफ़ी प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25% का इजाफा अगर एक साल में हुआ है, जबकि डेवलपमेंट पूरे जोरों पर नहीं है, जब जोरों पर डेवलपमेंट होगी और जब लोग वहाँ पर आबाद होने शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम प्राइस में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जी साथ ही डिलन जी, यदि आपके प्रोजेक्ट में कोई प्लॉट खरीदता है तो हाई राइज बिल्डिंग में जो फ्लैट खरीदता है तो प्रॉपर्टी बायर या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कोई लोन, बैंक लोन की सुविधा भी आप उपलब्ध करा देते हैं? हाँ जी, यहाँ पे सारे लीडिंग बैंक्स की तरफ से लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, एक्सिस बैंक, ICICI और HDFC से लोन फैसिलिटी 80-85% तक अवेलेबल है। और इसके अंदर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़मीन की कीमतें हमेशा अपार्टमेंट से ज़्यादा बढ़ती हैं, तो प्लॉट्स और ज़मीन के अंदर निवेश करके मुनाफा हमेशा अपार्टमेंट से ज़्यादा होता है और डेवलपिंग एरिया के अंदर शुरुआत में ही आके आप सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम की। चलिए तो डिलन जी और सतीजा जी, आप दोनों स्टूडियो में आए हमारे साथ चर्चा की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए प्रॉपर्टी मंत्रा में इतना ही, आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े अपने सवाल और सुझाव और शिकायतें askmeatpropertychacha.com पर भेज सकते हैं, या पर
आप हमें मेल भी कर सकते हैं या आप हमें फोन कर सकते हैं 9871372372 पर।